सब्सक्राइब कीजिए एमकेएस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे बटन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो, इस वीडियो में मैं रूट 122 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की सहायता से और इसके दोनों तरफ एरो मार्क करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड में जीरो लेना है और कंपास की सहायता से इसे इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फाइव पार्ट्स में डिवाइड करना है, फोर पार्ट्स फाइव पार्ट्स। अब इसके बाद इसका नंबरिंग कर देते हैं फाइव तक। जहां पे फोर है वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है स्केल की सहायता से और इस पे फिर कंपास की सहायता से वन यूनिट लेना है जीरो से वन तक का भी डिस्टेंस। फिर इसे जीरो से ज्वाइन करेंगे और कंपास की सहायता से इसे लाइन तक आर्क लगाएंगे। ये जहां पे लाइन को कट करता है वो रूट 117 है। एक ऐसा राइट एंगल जिसका बेस 4 हो और परपेंडिकुलर 1, उसका हाइपोटेन्यूस रूट 117 आएगा। अब जहां पे रूट 117 है उस पॉइंट पे फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है और 1 यूनिट लेकर करना है जीरो से 1 तक का डिस्टेंस और इसे भी ज्वाइन करेंगे जीरो से। इस लेंथ को भी रेडियस लेकर आर्क लगाना है और ये नंबर लाइन पे रूट 118 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और इस पॉइंट पे फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 यूनिट लेकर कट करना है। कट करने के बाद इस पॉइंट को भी जीरो से ज्वाइन करेंगे और फिर से आर्क लगाएंगे। ये रूट 119 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब इस पॉइंट पे फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है और 1 यूनिट लेकर कट करना है। कट करने के बाद इस पॉइंट को जीरो से ज्वाइन करना है और कंपास से आर्क लगाना है। ये रूट अंडर 20 नंबर लाइन पे रिपेंट हो गया और फिर जहां पे रूट अंडर 20 है वहां पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 यूनिट लेकर कट करना है। कट करने के बाद इसे जीरो से ज्वाइन करेंगे और आर्क लगाएंगे। ये रूट अंडर 21 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 यूनिट लेकर कट करना है। फाइनली इसे भी जीरो से ज्वाइन करेंगे और कंपास से आर्क लगाएंगे जिससे रूट अंडर 22 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा रूट अंडर 22। ओके, थैंक यू।